लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लीजिए मेम साहब, आपका घोड़ा तैयार है। और साहब, आप तो अपने बहादुर पर ही बैठना पसंद करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जिसके पास बहादुर जैसा साथी हो उसे किसी और की क्या जरूरत है। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ खास तो नहीं, बस यूं ही। आपके बहादुर का नाम सुनकर मुझे बचपन की एक सहेली याद आ गई। उसे कम दिखाई देता था, मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे पहनती थी और उसका नाम था सुनैना। अरे पूरा मत मानिए, नामों के चक्कर में अक्सर ऐसा ही होता है। पास वाले गांव में एक भिखारी रहता है और उसका नाम भी अमीर चंद है। अमीर चंद की अमीरी पर आपको शक हो सकता है, लेकिन मुझे अपने बहादुर की बहादुरी पर बिल्कुल शक नहीं। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लीजिए, आपका शक भी दूर हो जाएगा और ये नामों का हेर फेर भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये ठहरा शहरी घोड़ा टांगा बगी बगी खींचने के लिए तो ठीक है, मगर यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके बस के नहीं है। सुना बहादुर, अब तो दोस्त तेरी इज्जत का सवाल है। क्या कहा? अरे जोर से बोल। हाँ समझ गया। हाँ तो मैम साहब, मेरे बहादुर की एक छोटी सी फरमाइश है, अगर आप रास्ता दिखाएंगी तो यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। क्या ख्याल है, आजमा कर देखें? अब तो आजमाना ही पड़ेगा। अरे रे, क्या कर रही हैं आप? मार से नहीं, जरा प्यार से कोशिश कीजिए। मेरे लाड प्यार से पाला है मैंने अपने बहादुर को, मारेंगी तो बुरा मान जाएगा। मेरे लाड प्यार ने से थोड़ा सा अड़ियल बना दिया है। अड़ियल नहीं, मरियल कहो। टट्टू कहीं का, मेरी सलाह मानो तो किसी धोबी को दे दो, कपड़े वपड़े लादने के काम आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये क्या खाक दौड़ेगा, फालतू है, एकदम फालतू। फालतू हो या फालतू हो, अपने सामने सब ठीक हो जाते हैं। पोपटलाल तुम? हाँ मैं। आप अभी अभी इसके दौड़ने की बात कर रही थी ना, अगर हम चाहें तो ये दौड़ने क्या उड़ने लगेगा, उड़न तस्तरी हो जाएगा, उड़न खटोला हो जाएगा। पोपटलाल जी, आप घुड़सवारी का भी शौक फरमाते हैं? घुड़सवारी क्या, कोई भी सवारी हो, आप अभी देखिए, जैसे ही इसकी नाजुक नाजुक कमर पर पोपटलाल का एक मजबूत सा लाफा पड़ेगा तो ये दौड़ने क्या उड़ने लगेगा। तब तो कमाल हो जाएगा। अरे क्या कमाल हो जाएगा, ये तो फिर भी कुछ कुछ घोड़े जैसा दिखता है। मैंने तो गधों को भी घोड़ों से तेज उड़ाया है। अरे मेरी किस्मत अच्छी है कि आप यहाँ आ गए, वरना इस गधे ने तो इनके सामने मेरी नाक ही कटवा दी थी। एक गधा तो आपकी नाक बचा नहीं पाया, चलो दूसरे को भी आजमा लेते हैं। Why not? तो फिर देखे। हाँ देखिए देखिए, अभी देखिए, चल मेरे घोड़े, आई एम कमिंग एंड यू आर गोइंग। बहादुर, बहादुर का नाटक अब तो संभाल लेना, समझ गया? हाँ तो मेम साहब, अब क्या ख्याल आपका मेरे इस टट्टू के बारे में? लेकिन पहले तो ये। अरे पहले वाले की बात छोड़िए, देखिए एक शरीफ आदमी का शरीफ घोड़ा है ये, बड़ा समझदार है, सवारी देके बात करता है। बहादुर, लेकिन वो पोपटलाल कहाँ है? हाँ? चलो ढूंढते हैं, बैठिए। नहीं नहीं, पैदल ही ठीक है। ठीक है चलिए। शुक्र है बहादुर ने आपकी बात का बुरा नहीं माना, वरना
बेचारा पोपटलाल। अरे बेड़ा घर को तेरा बहादुर के बच्चे साले धोखेबाज, देखने में कुछ और भागने में कुछ, साला उल्लू बनाता है। खूबसूरत लड़की बैठे तो टुक टुक टुक, और जब मैं बैठा तो आए आए, देख लूंगा मैं तेरे को, देख लूंगा। मेरी बद्दुआ तुझे अगले जन्म में बनाएगी पोपट लाल, और मैं बनूंगा बहादुर, और फिर मैं तेरे को इसी तरह जंगल में लेकर जाऊंगा और तेरी ऐसी हालत करूंगा, बल्कि इससे भी बुरी हालत करूंगा। अरे बहादुर मेरी तो ये चड्डी फिर भी बच गई है, तेरी तो ये भी नहीं बचेगी। आए आए, अरे चुप, कुट कुट कुट। ओ मेरी नाक, मेरी नाक। हम खिलाए दाने दुश्मन गाए गाने, नहीं छोड़ूंगा। हम खिलाए दाने दुश्मन गाए गाने, नहीं छोड़ूंगा। गोली वालों, शहर से जो नया आदमी आया है उसे बाहर निकालो। ये वही है जिसकी तुम लोगों को तलाश है, वो मैं ही हूं। लो पढ़ लो अपनी मौत का फरमान। आने वाले बलि के बकरे के नाम कायर सिंह का फरमान। समाचार यह है कि फरमान पढ़ने के 5 मिनट के अंदर यह हवेली छोड़कर निकल जाओ अगर जान प्यारी है तो, वरना तुम्हारे इस जिस्म के कम से कम 400 टुकड़े करके चील कौओं को खिला दिए जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफी है, शेष सब कुशल है। तुम्हारा कहर सिंह। तुम्हारा सरदार कहर सिंह खामखा परेशान हो रहा है, मुझे पहले कहा होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। 5 मिनट क्या, मैं तो 2 मिनट में ही हवेली खाली करके भाग जाऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। सिर्फ 4? अरे हम तो समझे थे कि कम से कम 25-30 जरूर होंगे, यहां तो सिर्फ 4 है। क्या है कि दरअसल बात यह है कि जब तक 15-20 मेरे सामने ना हो तो मुझे जोश नहीं आता है। खैर अब आई गए हो तो एक लात तो खाते जाओ। अरे मरे हुए को क्या मारना, शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो ग्रास नहीं खाता है ना। हाँ समझ गया शेर जी। देखा शेर जी। शेर जी। हाँ जी। आपके पास एक लिखने वाली मशीन थी ना। थी क्या है, तू उधर देख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लीजिए, अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। अभी नहीं शेर जी, सबसे मुश्किल काम तो मैंने आपके लिए छोड़ा है। क्या? इन सब के कपड़े उतारने हैं आपको। ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा काम मैंने पहले कभी किया नहीं है। हाँ अगर आप बोले तो मैं अपने कपड़े उतार दूं। अपने नहीं,
इन सबके कपड़े उतारेंगे आप? मैं इन सबके कपड़े कैसे उतारता हूँ? कैसे नहीं उतारूंगा, लेकिन क्या है कि मैं चश्मा पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा ना। अच्छी दांत तेरे की आ गई, ठीक आ गई हराम जादो, वरना अभी तुम सबको भून डालता। एक दो तीन चार, चार आदमी कहर सिंह के, चार आदमी कहर सिंह, 40 डकैत या 84 खून, मगर आज तक उसके कंधे पे कोई हाथ नहीं रख सका। उसके चार आदमी एक लौंडे से मार खा के आ गए। लौंडा अभी भी हवेली में है, खाली चला गया कहर सिंह का फरमान। पहली बार नसवारू, पहली बार खाली चला गया कहर सिंह का फरमान। खाली नहीं गया सरदार, जवाब तो आया है, अगर जान बख्श दे तो बताओ। बताओ जल्दी बताओ। बताता हूँ, बता दो। शंकरा का फरमान डरपोक कहर सिंह के नाम। डरपोक कहर सिंह, अच्छा। तेरे भेजे हुए पालतू कुत्तों का अंजाम तेरे सामने है। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो अगली बार खुद आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। फिर देखता हूँ कि हवेली छोड़कर मैं जाता हूँ या दुनिया छोड़कर तू। हवेली में सब कुशल है और हमेशा रहेगा, समझ गए ना शंकरा? समझ गया, तब समझ गया। और अच्छा लगा नसवारू लौंडे का जवाब, अच्छा लगा। अब मजा आएगा टकराने का, बहुत मजा आएगा। नसवारू जी। सरदार, वो कहावत क्या है जिसमें गीदड़ भागता है? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। गलत, बिल्कुल गलत। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ नहीं, कहर की तरफ भागता है, कहर सिंह की तरफ। Thank you.
पिताजी आप चुप नालायक बेवकूफ अपने टटपुंजियों के साथ तुझे हवेली पर हमला करने के लिए किसने कहा था पिताजी मैंने सोचा क्या तूने सोचा तूने लेकिन सोचने के पहले ये नहीं सोचा किसका अंजाम क्या हो सकता है तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेंक सकता है बापू एक लड़के ने जरा सा क्या उकसाया कि तू मेरी इजाजत के बगैर पहुंच गया वहां पर अगर हवेली में किसी को भी जरा सी भी इस बात की भनक मिल गई कि कहर सिंह दीवान हुकम सिंह का लड़का है तो हमारा सालों का बना बनाया खेल उसी दिन बिगड़ जाएगा गलती हो गई बापू गलती हो गई मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अरे रो मत बेटा रो मत लेकिन देख हमेशा एक बात याद रखना मुझे पूछे बिना उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखना बराबर बराबर बाकी रे उस लौंडे की बात बेटा उसको तो मैं देख लूंगा सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी समझ गया बापू बिल्कुल समझ गया बापू अब तो माफ कर दे ठीक है बेटा ठीक है देख बेटा मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ मेरा क्या है मुझे तो जितनी दुनिया देखनी थी देख ली मेरा तो एक ही सपना है कि तू एक दिन इस हवेली पर राज कर खैर अब ये बताओ कि उस हवेली के वफादार बुड्ढे का क्या हाल है नीचे तहखाने में आराम फरमा रहा है बापू हम उसकी सेवा का पूरा ख्याल कर रहे हैं मत करो बापू ये क्या कर रहे हो ये मर जाएगा बुढ़ाऊ मर जाएगा ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना भाई साहब खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाई कहा ये क्या कह रहे हैं आप सगे भाई को मैं भाई नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा आखिर खून का रिश्ता है और वैसे भी आपको मैं दीवान साहब तो कह नहीं सकता क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से लोग मुझे दीवान साहब कहने लगे है ना नकली दीवान बनकर तू लोगों को धोखा दे सकता है मगर भगवान को नहीं एक दिन तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा तो उसमें क्या है भाई साहब वो तो सबको भुगतना पड़ता जैसे कि आप भुगत रहे अगर आपने हमारी बात मान ली होती भाई साहब तो ना ही आपकी टांगे जाती और ना ही आज आपको ये दिन देखना पड़ता मुझे अपनी टांगों के जाने का कोई दुख नहीं है अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं मर क्यों नहीं गया तुम्हारी जैसी मनोहर सूरत देखने के लिए मैं आज तक जिंदा क्यों हूँ जिंदा रखा है भाई साहब इसीलिए जिंदा है हम भला आपको कैसे मार सकते हैं लगता है आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला हूं और भूलूंगा भी नहीं मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन सीमा की शादी और इस नालायक के साथ ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत हुई कहां भाई साहब हिम्मत पैदा की है क्योंकि आजकल फिर से जेबें खाली हो गई है और मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी आखिर रानी जी को भी सीमा की शादी किसी न किसी के साथ तो करनी है और शादी के लिए जरूरी होता है एक लड़का जो आपके आशीर्वाद से अपने घर में ही है और भाई साहब कहर सिंह अगर मेरा बेटा है तो आपका भतीजा भी तो है और उसके इस भविष्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा बंद करो ये बकवास अगर तू मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मैं तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता तो निकाल सकते हैं आपका हक है आप बड़े भाई जो है लेकिन एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा की शादी जिससे भी होगी वो सारी जायदाद का मालिक होगा और सारी जायदाद का मतलब होता है करोड़ों और करोड़ बहुत होते हैं भाई साहब आपने तो देखे भी होंगे गिने भी होंगे लेकिन अपने अपने होते हैं मिलजुल के बात लेंगे चुप कर गुस्सा नहीं भाई साहब गुस्सा नहीं पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आपने जिंदगी भर किया क्या नौकरी यानी कि गुलामी क्या मिला क्या आपको क्या कमाया क्या आपने तेरी तरह नमक हराम नहीं हूं मैं इज्जत कमाई है मैंने तो और इज्जत कमाई है ना रानी जी के नौकर नहीं रिश्तेदार हो जाइए इज्जत और भी बढ़ जाएगी हाँ काका बाबू ठीक कहता है मैं छह फुटा हट्टा कट्टा नौजवान लाखों में ऊपर से आपका भतीजा अरे भाई मुझ में भला बुराई क्या है कोई बुराई नहीं है सिवाय इसके कि तू अनपढ़ है जाहिल है चोर है उचक्का है और कई बार जेल की हवा भी खा चुका है तो क्या हुआ
जेल जाने वालों की शादी नहीं होती क्या? ये तो मेरा रिकॉर्ड है, इसे मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मतलब ये कि घर की बात घर में रहेगी। उनको तो नहीं मालूम ना? उनको नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो मालूम है, और मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम दोनों अपनी मनुष्य सूरत लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। बापू, वो कौन सी कहावत है जिसमें लंका जल के राख होती है? हाँ, घर का भेदी लंका ठाए। लेकिन एक और कहावत भी है बेटा। कौन सी? कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वाह! हाँ, इसको भाई भतीजा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लगता इसकी नजर भी जायदाद पर है, और सारी जायदाद अकेले ही हड़प कर जाना चाहता है। और थप्पड़, वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा, और उसी थप्पड़ का जवाब देने के लिए मैंने तुझे आज तक जिंदा रखा है, और उसका जवाब होगा कैर सिंह के साथ सीमा की शादी। ऐसे क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि माँ ने जो तुम्हारे बारे में कहा था वो सच ही था। ऐसी कौन सी बात कह दी रानी माँ ने? जो बात कही थी वो तो मैंने रात को ही देख ली। अच्छा ये तो बताइए, ये गोली बोली चलाना कहाँ से सीखा? बस ऐसे ही। तो बस ऐसे ही मुझे भी सिखा दो। तुम क्या करोगी सीखकर? तुम्हारा साथ दूंगी और क्या, ताकि अगली बार जब डाकू लोग अपनी फौज लेकर आए तो मैं भी उन्हें कुछ सबक सिखा दूं।